के बाद जो है शाहीन बाग पे क्या असर होगा अगर बीजेपी अगर जीत जाती है तो? देखिए, पहले तो जो हालात हैं उससे लग नहीं रहा है कि बीजेपी जीतेगी, मगर शाहीन बाग संविधान का मसला है, संविधान बचाने का मसला है। शाहीन बाग का चुनाव से कोई उस प्रकार से लेना देना नहीं है। शाहीन बाग संविधान बचाने के लिए है, जो कि पार्लियामेंट में गलत कानून पास हुआ है उसके लिए। दिल्ली के चुनाव से शाहीन बाग का उस तरीके से डायरेक्ट कोई रابطہ या कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो आंदोलन शुरू हुआ है और ये जब तक इसका लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगा, CA NRC इस प्रकार से विड्रॉ नहीं होगी कि ये दोबारा कभी ना लाई जा सके इस फॉर्म में, और कभी भी किसी नागरिक से कागज़ ना मांगे जाएं अपनी नागरिकता एस्टैब्लिश करने के लिए। तब तक ये आंदोलन चलेगा, चुनाव तो आते जाते रहते हैं। संविधान और देश जो है चुनावों से भी बड़ा है, हम सबसे बड़ा है, और उसको बचाने के लिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी। सर, राष्ट्रपति अभिभाषण हुआ सर, सबकी उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ साइन बाग के लिए बोलेंगे राष्ट्रपति जी, लेकिन उन्होंने देश में इतनी उथल पुथल मची हुई है CA को लेकर, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं की सर, क्या वजह है ऐसी? ये राष्ट्रपति की भी इंस्टीट्यूशन को RSS ने सफोकेट कर रखा है, दबा रखा है। यही तो, इसीलिए तो ये आंदोलन हो रहा है कि आज मसला शाहीन बाग को अगर देखना चाहिए तो सिर्फ संविधान बचाने की नज़र से देखना चाहिए, उसको किसी और नज़र से भी देखना सिर्फ जो है वो राजनीति है और गंदी राजनीति है। तो शाहीन बाग का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए तो लड़ाई जारी रहेगी। राष्ट्रपति जी तो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर सबसे ऊँचे हैं, सर्वोच्च पद पर बैठे हैं संविधान के, तो मैं ये समझता हूँ कि राष्ट्रपति जी के भी दिल में, क्योंकि वो भी SC समाज से आते हैं, उतनी ही पीड़ा होगी जितनी हम सब लोगों के दिल में है संविधान बचाने के लिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, और जो वीकर सेक्शंस हैं समाज के उनको सबसे ज़्यादा सुरक्षित करने की चेष्टा बाबा साहब ने संविधान के ज़रिए से की थी। तो दिल में तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि राष्ट्रपति जी के भी बड़ी पीड़ा होगी, मगर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं पूरे देश में, हर एक पद पर बैठे व्यक्ति की मजबूरियाँ हैं जिसको सारा देश भी समझता है, और इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो भी संस्थान हैं बड़े बड़े और राष्ट्रपति जी और राष्ट्रपति जी का ऑफिस जो है वो भी अपने आप को जो है इस बात से संतुष्ट महसूस कर सकें कि देश की जनता संविधान बचाएगी, हर हालत में बचाएगी। आजमगढ़ में जो हुआ है अभी, उसको लेकर के जो वहाँ पे प्रोग्राम था, और जो कन्हैया कुमार पे जिस तरीके से हमला होता है, और जैसे चंद्रशेखर आज़ाद कहीं भी जाते हैं तो उनको डिटेन कर लिया जाता है, इन सबको आप कैसे देखते हैं? कि ये सब वही है, मनुवादी मानसिकता जो है ये कभी भी लॉजिक से बात नहीं करते, ये कभी भी संवाद में बिलीव नहीं करते, ये कुतर्क में बिलीव करते हैं, झूठ में बिलीव करते हैं, और बल के प्रयोग में बिलीव करते हैं। अपनी झूठी बातें स्थापित करने के लिए ये बल के प्रयोग में यकीन करते हैं। डॉक्टर कफील को भी अरेस्ट कर रखा है झूठे केस में, वो मथुरा जेल में है, हालांकि उनके ऊपर मुकदमा जो दर्ज किया था वो अलीगढ़ में किया था, लेकिन उनको मथुरा जेल में रख रखा है। तो इस प्रकार की, और बार बार पुलिस उनके केस में भी डेट्स मांग रही है, मतलब कि उनको यही नहीं पता कि इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ है अभी तक। तो इस प्रकार की जब गतिविधियां कर रही है पुलिस, और इसीलिए हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट से वो ऑर्डर भी अभी आ गया है, PIL हमारी 17 तारीख को दोबारा आ रही है कि पुलिस के आला अधिकारियों पे भी एक्शन होना चाहिए जो संविधान और कानून के विरुद्ध जाके कार्य कर रहे हैं अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में। तो ये डॉक्टर कफील से लेके और सब लोगों के खिलाफ जो ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चंद्रशेखर साहब को तो बार बार अरेस्ट करते ही इसीलिए हैं क्योंकि वो सबसे मुखर आवाज़ हैं इस सरकार के खिलाफ, और बाबा साहब की आवाज़ को बुलंद करने वाली सबसे मजबूत आवाज़ है, तो उनको तो बार बार अरेस्ट किया ही जा रहा है। परंतु ये बाकी गतिविधियाँ भी संविधान को ख़त्म करने के लिए, संविधानिक आवाज़ों को ख़त्म करने के लिए ही की जा रही। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।